आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, कोई तो हया आनी चाहिए। 2.5-3 साल से यही चल रहा है, कछु भी चल रही है, गले पे गले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वरकातुहू। YouTube फैमिली, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खुश करूँ होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे होंगे और अपनी जगह मसरूफ होंगे। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का जो है ब्लॉग इस करते हैं और जो भी एक्टिविटी होगी YouTube फैमिली, इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो प्लीज़ YouTube फैमिली मेरे वीडियो जो है स्किप करके ना देखेगा, मुकम्मल अगर फॉलोअर्स क्या करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अभी मुजम्मिल मदरसे जा रहा है। मुजम्मिल ये लगा दी जी? कब लगा दी? कब की? वो पहले दिन अच्छा है, इसमें ऐसे फिट किया है जी। ये कागज है ना, कागज से फिट हो जाते हैं। मदरसे जा रहे हो जी? तो ये तो पंचर है जी, पंचर लगाऊंगा ना। इसका टायर भी खत्म हो गया, तूने धूप पे खड़ी कर कर खत्म कर दिया टायर का भी। एहतियात क्या करो, कितनी महंगी है पता है? 14,000 की मिली थी उस दिन, उस टाइम 14,000 की मिली थी। ये देखो ये यार, इसको आके धोना अच्छी तरह से। हां तो धोऊंगा ना। हैं? हां धोऊंगा। आगे धोना। अभी पंचर करने जा रहे हो, फिर मदरसे जाओगे जी? अच्छा, तो पैसे लिए अम्मी से? हाँ ले लिए। कितने पंचर कर लेते हैं? पिछली दफा तो 3 पंचर निकले थे, आप पता नहीं कितने दे पंचर कर लेते हैं। पंचर का 50 का एक, 50 इसको भी, 50 इसको भी, 50 एक ही रेट है इसका, 70 का इसका, 50 का। अच्छा, दुआ करो ज्यादा निकले तो फिर नहीं लगाना। एक आध निकले ठीक है, वरना ज्यादा निकले तो फिर टूप नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। चलो फिर जाओ जाओ। अभी इसमें वो हवा भर लो, हमारा पंप है ना, हवा भर के फिर देखो वहाँ तक लगे पहुँच जाएगा जी। ठीक है, हाँ जाओ, पंप उठा के इसके बाद दो। तकरीबन 2-3 साल से बड़ी बेल चल रहा है ना, बहुत ही खराब चल रहा है, बहुत ही बेहूदा चल रहा है। इतना ज्यादा बेहूदा हो गया कि अब जो है ना इनको सबक सिखाना पड़ेगा, इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा जो ये हरकतें कर रहे हैं, बेवकूफाना हरकतें कर रहे हैं, जाहिलाना हरकत कर रहे हैं। कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन हैं जाहिल, पढ़े लिखे जाहिल, ऐसे वो बोलते हैं पढ़े लिखे जाहिल, जो किसी की कदर नहीं करते, किसी की कदर नहीं करते, बस अपनी जाहिलाना हरकतों से बाज नहीं आते। बहुत दफ़ा उनको समझाया गया कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, लेकिन नहीं भाई, उन्होंने अपनी जाहिलाना हरकतें करनी है और बाज नहीं आना। यार ये कोई बात हुई? कोई बात नहीं हुई। वो कहते हैं ना मोहम्मद अजीज का गाना है, दुनिया में कितना गम है मेरा गम भी कितना कम है, दुनिया में कितना गम है मेरा गम भी कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। जब भी व्यवहार देखते हैं सारा बहन दुखी होती है तो दिल को बहुत ज्यादा दुख लगता है, क्योंकि सारा बहन के साथ जो हो रहा है ना बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। और ऐसी लेडीज जो कि लेडीज हैं, जेंट्स भी नहीं है, लेडीज हैं, जेंट्स से भी बुरे बुरे गलीज गलीज बेहुदा हरकतें करती हैं, बकवास करती हैं, वाह यार बकवास, उनकी सुनने के लायक नहीं है। भाई आप लेडीज हो, तैरे में रहो, थोड़ा सा सो तो दायरे में रहो, दायरे से आप इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही हो कि तुमको शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, थोड़ा सा शर्म कर लो, हया कर लो भाई, आप लेडीज हो और मर्दों से भी आगे बढ़ जाती हो। खाली मर्दों का नाम आपने रोशन किया है, हालांकि रोशन तो आपका नाम होना चाहिए, गालियों में हर चीज में आप फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए जो आप हरकतें कर रही हो। वो बेचारी अपनी व्लॉगिंग कर रही है और लोग उसको बकवास करते, वाह यार बकवास करते हैं, हम भी थक गए हैं उनकी ये बकड़ा कड़क सुन के भाई, अब हमारे भी कान पक रहे हैं, अब हमारे भी कान पक गए हैं भाई, ऐसे नहीं करो आप लोग, आप जो है ना ऐसा नहीं करो, ये गलत नहीं करो। इस तरह बहन को आप जो है ना उसके बाप पर पहुंच गई है उसका बाप, कसम खुदा की बहुत ही मोजेज आदमी थे, बहुत ही मोजेज, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत ही शरीफ, अपनी कौम में जो है ना नवाकोट में मुझे ऐसे लगते हैं सबसे ज्यादा अपनी कौम में मोहसिन शरीफ जो है ना हज यासीन थे, है उसको मौत भी ऐसे आई, सुभान अल्लाह। दवाई लेने गए, बिल्कुल ठीक ठाक थे, दवाई लेने गए, बस वही डॉक्टर के क्लिनिक पे ही उसका दम निकल गया, इस दुनिया फारी को छोड़कर चले गए, ऐसी मौत आनी चाहिए। बंदे को पता भी नहीं चले, बंदा भाई बिल्कुल ठीक ठाक, जैसे भाई वो दवाई लेते थे महीने के बाद दवाई लेते थे, उनको शिकायत थी, दमा नहीं होता, दमा
सांस की शिकायत थी तो दवाई ले लेते थे, तो बेहतरीन गए यहाँ से दवाई लेने और वहीं पे उसका इंतकाल हो गया। ऐसी मौत होनी चाहिए, ये नहीं कि आपको जो है ना अल्लाह अपनी गिरफ्त में पकड़ ले और आपका सांस निकलते निकलते नहीं निकले, ऐसी मौत से अल्लाह बचाए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, कोई तो हया आनी चाहिए कि इतने शरीफ आदमी को आप ऐसे बकवास कर रहे हो, बेहूदा बकवास कर रहे हो, कोई तो शर्म कर लो। अब मरे हुए आदमी को आप लोग नहीं छोड़ रहे, मरे हुए आदमी को जब आप मरोगे तो कहाँ मुंह दिखाओगे, कहाँ मुंह दिखाओगे, आखिर अल्लाह के पास जाना है आज नहीं तो कल। हाय 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 सज्जन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। हाय 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 आपके साथ जब होगा ना तो आप लोगों की सांस नहीं निकलेगी, जैसे आप इतनी बेहूदा और बकवासे कर रहे हो, मरे हुए आदमी बकवास कर रहे हो, एक अच्छे आदमी के ऊपर बकवास कर रहे हो, ना उसकी माँ को छोड़ रहे हो, ना उसके बाप को छोड़ रहे हो, ना उनके औलाद को छोड़ रहे हो, जो मासूम है गुनाह से पाक है आप लोग उनको भी नहीं छोड़ रहे हो। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। मेरी इतनी घटिया और बेहूदा लैंग्वेज नहीं है कि मैं आप लोगों के ऊपर इस्तेमाल करूँ, लेकिन मुझे गुस्सा इतना आ रहा है जब से मैंने सरात कुसरा मैन का व्लॉग देखा है, तो दिल खून के आंसू रो रहा है, सीरियस दिल खून के आंसू रो रहा है कि उसके बाप के ऊपर आपने इतना गंदी गाली दी, उसके बाप को इतनी गंदी गाली दी। हाय 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 आप लोगों ने ड्रामा किया हुआ है, कभी हेटर कभी सपोर्टर, कभी हेटर कभी सपोर्टर, ये आप लोग में वो कहते हैं कि लुका छुपी का गेम जैसे वो कर रहे हो आप लोग, लुका छुपी कर रहे हो, कभी हेटर बन जाते हो कभी सपोर्टर बन जाते हो। भाई हेटर बन गए तो हेटर बनो, सपोर्टर बनो सपोर्टर बनो, जो भी बनो तो एक साइड पर करो, नहीं अगर हेटर है तो ठीक है सपोर्टर है ठीक है, लेकिन उसकी वीडियो में से बातें निकालो, उनकी वीडियो में से बातें निकालो, ये नहीं कि उनके माँ बाप उनके हर पूरे खानदान को आप जलील करो रुसवा करो उनको गालियां दो, शर्म करो कुछ तो शर्म करो। जबान जो है हर किसी के मुंह में आए, जबान हर किसी के मुंह में आए, ये नहीं कि आपके मुंह में जबान है और बाकी गूंगे हैं बहरे हैं ना सुनते हैं ना बोल सकते हैं, बल्कि हर कोई के मुंह में जबान है, लेकिन जबान जो है ना अच्छी इस्तेमाल करें, अच्छे इस्तेमाल करें, संभाल के इस्तेमाल करें, किसी को गालियां नहीं दें। आप अगर उनकी हेट करने सारा बहन की ठीक हेट करो हेटर बनो, तो उनके व्लॉग में से बात निकालो, हाँ भाई आपने यहाँ पे ये गलती की है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, व्लॉग में से निकालो उनकी गलतियां निकालो, आप जो है ना उस पर रिएक्शन दो, ये नहीं किए उसके पूरे खानदान को आप गालियां दो, जहां पे बैठे हो गालियां मुंह पे वाह वाह पीठ पीछे गालियां वाह वाह, ये क्या बात हुई। हम लोगों ने कभी आपको गाली दी है, बताएं आप कभी गाली दी है, हम आपको प्यार से समझाते हैं कि प्लीज सिरसा लोग आप ऐसा नहीं क्या करें, लेकिन नहीं आप तो वो जबान समझते नहीं है, लातू के भूत बातों से काम मानते हैं, लातू के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए प्लीज आप समझ जाए। अब जो इस तरह बहन आप कदम उठा रही है बिल्कुल सही उठा रही है, अब किसी को नहीं छोड़ना, किसी को भी नहीं छोड़ना, ना हेटरों को ना अपनों को, जो अपने गद्दार हैं उनको भी नहीं छोड़ो, बस किसी को नहीं छोड़ना, सबको जो है ना आप पेशा दे लो, सबके ऊपर एफ आई आर कर दो, सबके ऊपर एफ आई आर में सबके नाम दे दो, जो आपके ऊपर जरा सी गलत बात करे बस वीडियो उठाओ और सीधा एफ आई आर में दे दो। अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह, अल्लाह करम करेगा, पाकिस्तान के इदारे हैं इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, पाकिस्तान में भी कानून है, ऐसा नहीं कि अंधार कानून है लगा हुआ है, नहीं नहीं कभी भी हमारे इधर एक्टिवेट होते हैं, जब भी एक्टिवेट होंगे तो इंशाल्लाह सबको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। आप जो है ना पीछे नहीं हटे, पीछे नहीं हटे, आप जो है ना सबके ऊपर जो है ना एफ आई आर कटवाएं, जो भी गलत काम करे, चाहे आपका अपना भी हो, चाहे आपका खास भी हो, चाहे मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, अगर मैं भी आपके ऊपर बात करूँ तो आपने पीछे नहीं हटना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आपने पीछे नहीं हटना, बहुत हो गया, बहुत ये हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, ये 2.5-3 साल से यही चल रहा है, कछु की चल रही है, गालियां पे गालियां, जलील किया जा रहा है, रुसवा किया जा रहा है, आप तो भाई हद हो गई, और उसके बाप के ऊपर चले गए, माँ को पहले नहीं छोड़ा बाप के ऊपर, वाह भाई वाह, ये कौन सा कानून है, कौन सी किताब है कि मरे हो को आप जो गालियां दो, खुदा का खौफ करो, खुदा के गजब से डरो। तो मैंने काफी जन सारा बहन के साथ मिलकर वीडियो बनाए, जैसे कि उसके फेवर में वीडियो बनाई है, लेकिन इतना गुस्सा मुझे नहीं आया जो अब आ रहा है, जो अब गुस्सा आ रहा है ना, ऐसा गुस्सा मुझे कभी नहीं आया। मेरा तो दिल करता है मैं उनके घरों में जाकर उनके शोर को पकड़ लूं,
और उनसे कहूं कि आप लोगों ने इनको इतनी ढील दी हुई है, इतनी ढील दी है कि आप लोगों से ये नहीं संभलती, इतनी गलीज गालियां देती है वाटी पे, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, आप लोग इतनी बेकार हो गए हो, शोहरों के नाम पे आप धब्बे बने हो जो अपनी बीवियों को नहीं कंट्रोल कर सकते, आपसे अपनी बीवियां नहीं संभाली जाती। मेरा दिल तो यही करता है कि मैं उनके घरों में जाऊं और उनके शोहरों को बताऊं कि खुदारा प्लीज अपनी औरतों को समझाओ और उनको जो है ना लगाम दो, उनकी जबान को भी लगाम दो और उनके जहनों को भी लगाम दो, ताकि वो इतनी गंदी जो है ना सोच रखें, इतनी गंदी सोच ना रखें किसी के ऊपर। सितारा बहन आप जो है ना बहुत हो गया, अब आपने नहीं हटना पीछे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अब आपने पीछे नहीं हटना, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ आपने पीछे नहीं हटना, अब सबको जो है ना दिखाना है, आपने सबको दिखाना है, और जहाँ इस गरीब की भी आपको ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह ये गरीब भी आपके साथ मिलकर खड़ा होगा इंशाल्लाह, जैसे पहले था जब आप कुछ भी नहीं थी, जब आप कुछ भी नहीं थी, जब यहाँ यानी कि यहाँ पे रहती थी तो उस टाइम भी मैं और मेरी वाइफ आपके साथ रहते थे, और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। और कुछ लोग को डाउट है तो प्लीज़ आप ये जहन से निकाल दें कि जो है ना काशे भाई इस तरह बहन के बारे में कभी बुरा नहीं है। और यहाँ मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, अगर अगर मलिक काशिफ की कोई वाइस कोई तरह बहन के खिलाफ छोटी सी इतनी सी बात आप जहर कर दो तो उसी टाइम ये चैनल मैं बंद कर दूंगा और आप सबसे माफी मांगूंगा। हाँ ऐसे ही बेहुदा टूट बातें तो आ भी जाती हैं हर किसी के ऊपर, वो कोई बात नहीं है, लेकिन मुस्तनद बात, मुस्तनद बात अगर कोई हो तो आप प्लीज बता सकते हैं मुझे। रात सितारा बहन का व्लॉग देखा था, बहुत शादी अपसेट थी, वो बेचारी शादी बहुत अपसेट थी, अभी तक वो कुछ नहीं कहीं को कह रही थी, सब उनके खानदान को कहीं पे नहीं छोड़ा है, कोई तो शर्म करो, कोई तो हया करो, थोड़ा सा तो लिहाज करो, आपका बाप नहीं है उनको उनके बाप के बारे इतना आपने गाली दिया है, कुछ तो थोड़ा सा तो लिहाज करो, उनका इतना अब अच्छा था, इतना अब इतना अच्छा था, आपको पता नहीं है कितना अच्छा था वो, इस दुनिया पे नहीं है, उनको तो छोड़ दो, ये घटिया ये बदबूदियाँ ये आप जैसे करती हैं बंद कर दो, जैसे साजिद भी लोग बनाता है फिर सबको आग लग जाती है, ऐसे नहीं बातें करते कहीं के बाप के बारे माँ के बारे कहीं किसी के बारे ऐसे बातें नहीं करते, आपका माँ बाप नहीं है कुछ नहीं कहते कहीं किसी के बारे, अभी तक सितारा चौपड़ी ही उनके सारे खानदान को कहीं के नहीं छोड़ा आपने, किसी को नहीं छोड़ा, अभी उनके बाप का नाम लिया है फिर वो तो सिर उठाएगी। बहन आप सबका नाम लिखवा दे तैयार में, सबका नाम लिखवा दे, कोई भी हो किसी का नाम नहीं रखना, सबका लिखवा दे, आपके सब साथ हैं, सब साथ हैं, क्योंकि आपके अबू का नाम लिया है उन्होंने, कहीं को नहीं छोड़ना सितारा बहन, सितारा बहन आप अभी पीछे नहीं हटना, सबका नाम तैयार में लिखवाना, कोई अपना हो कोई बिगाना हो सबको दलवा देना अंदर, कोई किसी का रियायत नहीं करना, सबका रियायत कर देती हो फिर उस सिर के ऊपर चढ़ जाते हैं, खाते भी आपके नाम के हैं, कमाते भी आपके नाम पे हैं, भोंकते भी आपके नाम के हैं। और यही मैं अपना व्लॉग भी ऐड करता हूँ, मैं उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, अगर पसंद है प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।